दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जब भी आप TEC रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो वो ऑलरेडी बता रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन कैसे उसको आप कर पाएंगे। जब भी आप फर्स्ट टाइम उस वेबसाइट पे गए होंगे तो अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिए होंगे, लेकिन जब पेमेंट सेक्शन पे गए तो वहाँ पे एक्सपायर हो गया या वहाँ से आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद जो फिर से आप इस वेबसाइट पे आते TEC की वेबसाइट पर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं और अपना पूरा डिटेल यहाँ पे फिलअप करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको बताया जाता है ऑलरेडी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इसके बारे में मुझे कमेंट भी आता और बहुत सारे हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर ने हमें कॉल पर भी बताया था कि ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके बारे में मैंने अपने CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात किया, उनसे भी कोई सोल्यूशन नहीं हो पाए। CSC कस्टमर केयर से बात किया, उनसे भी कोई सोल्यूशन नहीं हो पाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर इसका क्या सोल्यूशन है। अगर आपका भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑलरेडी बता रहा है तो क्या प्रॉपर इसका सोल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको TEC की वेबसाइट पर आ जाना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। TEC सर्टिफिकेट आपके पास अगर रहेगा तभी आप CSC आपको 2020 में मिल सकता है। CSC लेने के लिए TEC के बारे में आप पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बता चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन विद अस्पिक क्लिक करते हैं, जैसे ही लॉगिन विद अस्पिक क्लिक कर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म मिलता है यहाँ पे अपना फुल नेम देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे। तो आज का जो प्रॉब्लम है कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑलरेडी बता रहा है। अगर आपने इस फॉर्म को कभी एक बार फिलअप किया होगा तो यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपना पूरा एड्रेस और जेंडर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने बोला, यहाँ पे 50 KB से कम की साइज़ का एक आपको फोटो अपलोड करने बोला जाएगा। उसके बाद जैसे सबमिट करते तो आपको पेमेंट का पेज आ जाता है, वहाँ से आप क्लोज कर दिए। उसके बाद जब भी आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो ऑलरेडी बता रहा है, तो क्या करना है, जो मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, मतलब उस समय फर्स्ट टाइम आप सबमिट किया था, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए वही मोबाइल नंबर जो ऑलरेडी बता रहा है उस पर क्लिक करें मोबाइल वाले बॉक्स में और यहाँ पे मोबाइल नंबर को पेस्ट कर देंगे या यहाँ पे नोट कर देंगे। उसके बाद यहाँ बाहर क्लिक करेंगे, जैसे बाहर क्लिक कर रिडायरेक्ट कर देगा योर मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर, तो आपको कुछ नहीं करना है। मोबाइल नंबर देने के बाद कुछ नहीं करना है, वेट कर लेना है। जैसे आप वेट करेंगे उसके बाद ये आपको पेमेंट के उस पेज पर फिर से रिडायरेक्ट कर देगा। तो बहुत सारे लोग को यहाँ पे बता रहा था ऑलरेडी, लेकिन जब आप मोबाइल नंबर देंगे कुछ वेट करेंगे, जैसे ही आप वेट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपका पेमेंट के लिए। जब आप फर्स्ट टाइम मोबाइल नंबर देके पूरा डिटेल दिए होंगे वही डिटेल के साथ यहाँ पे पेमेंट लेगा, तो यहाँ आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भारत QR से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से करें, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहिए पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, बैंक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं एक पेमेंट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको इतना रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद का जो प्रक्रिया वो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा और वहाँ से आप समझ सकते हैं और पूरी चीज़ आप TEC सर्टिफिकेट के लिए समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम पास भी हो सकते हैं। याद रखिएगा ये फॉर्म फिलअप करते वक्त सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर ही देना होगा। अगर आप ईमेल आईडी देंगे तो ईमेल आईडी में मैं आपको ऑलरेडी रजिस्टर दिखाएगा, तो इसलिए आप फॉर्म को किसी भी पेज को नहीं भरना, जो आपने पहले भर दिया वही रहेगा। तो जो मोबाइल नंबर आपका पुराना है जो ऑलरेडी बता रहा है, वो मोबाइल नंबर देख जैसे ही आप इंटर करेंगे वैसे ही ये रिडायरेक्ट कर देता है। तो याद रखिएगा मोबाइल नंबर सिर्फ आपको भरना और ये सारे कॉलम को खाली छोड़ देना है। जैसे मोबाइल नंबर भर के बाहर क्लिक कीजिए, रिडायरेक्ट ये कर देगा, वहाँ पे बताएगा ऑलरेडी, जैसे ऑलरेडी बताएगा उसके बाद आपको कुछ वेट कर लेना है, वेट करेंगे उसके बाद रिडायरेक्ट कर देगा आपको पेमेंट के पेज पे। तो वहाँ से आप पेमेंट करके फिर आगे का प्रोसेस कर सकते हैं हमारे पिछले वीडियो की मदद से। उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो का आपको इंतजार था कॉमेंट जरूर कीजिएगा।